वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसा कि आपने लास्ट 7 पार्ट्स में हमने करा था, ये पार्ट 8 कर रहे हैं हम। हमने ए से लेके आर तक हमने सारे कवर कर लिए, बेसिक रेलवे टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पार्ट में हम सिर्फ एस से पढ़ेंगे, क्योंकि एस से बहुत ही ज्यादा है रेलवे के बारे में बताए हुए तो वर्ड्स, तो उसपे हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या था हमारी सैडल प्लेट। अब सैडल प्लेट क्या होती है, देखो, फॉर स्ट्रेंथनिंग द ट्रफ टाइप स्टील स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स के लिए होती है ये। एन एडिशनल प्लेट कॉल्ड सैडल प्लेट इज यूज्ड एट द रेल सीट, तो रेल सीट पे यूज होते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ सैडल। देखो, इसकी मुझे कोई फोटो तो नहीं मिल पाई, पर ये ना कुछ सैडल इस तरह की शेप में होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की शेप में यहाँ पे हमारी रेल लगा देते हैं ऐसे, तो वो अच्छे से इसको वो करके रखती है, स्ट्रेंथ करके रखती है। तो ये होता है हमारा सैडल प्लेट। नेक्स्ट आता है हमारे सैंड हम्प। अब सैंड हम्प हमने पढ़ रखा है इक्विपमेंट्स ऑफ स्टेशन यार्ड्स पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सैंड हम्प, दिस इज अ मेथड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम रनिंग ऑफ द ट्रैक एट द एंड ऑफ साइडिंग। तो मतलब कि ये साइडिंग पर यूज होता है सैंड हम्प, और कोई भी ट्रैक से निकल ना पाए कोई भी ट्रेन हमारी, तो उसके लिए होता है। अ हम्प ऑफ सैंड विद राइजिंग ग्रेडियंट एट द डेड एंड ऑफ अ साइडिंग इज प्रोवाइडेड। तो आप इमेजेस में देख सकते हैं, देखो एक साइडिंग है, मतलब साइडिंग वो होती है जहाँ पे हम ट्रेन वगैरह को रोक सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे साइडिंग पे देखो ऐसे लगा हुआ है सैंड हम्प सा, इधर वाले पे भी है देखो, तो इसको हम सैंड हम्प कहते हैं। नेक्स्ट आता है देखो सीजर पैकिंग। देखो सीजर पैकिंग क्या होता है, पैकिंग ऑफ ब्लास्ट डायगनली अंडर रेल सीट इज कॉल्ड सीजर पैकिंग। डायगनली जब हम डालते हैं ना रेल सीट के अंडर ब्लास्ट को, तो उसको कहते हैं सीजर पैकिंग, सीजर पैकेजिंग, पैकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या होता है, देखो इट इज अ मैकेनिज्म जनरली यूज विद डिटेक्टर बाय विच टू सेपरेट लेयर्स आर कंबाइंड इनटू वन एंड द पोल इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ऑफ विच ओनली वन विल बी ऑपरेटेड बाय द अदर विल बी ब्लॉक्ड। तो देखो कुछ इस तरह का दिखता है ये, मुझे पूरी अच्छे से इमेज नहीं मिल पाई, ये कुछ इस तरह होता है। ये क्या करता है कि ना दो ब्रांचेस को ना एक कर देता है, लेकिन वो पुल बना देता है, लेकिन एक ब्लॉक हो जाती है और दूसरी ऑपरेट होती है, तो उसमें हेल्प करता है सिलेक्टर। मतलब कि दोनों ब्रांचेस में कौन सी पे जाना, तो मोस्टली वो सिलेक्ट करता है हमारा सिलेक्टर। नेक्स्ट है सीमाफोर सिग्नल्स। सिग्नल्स पर हमने वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने एडवांस में थोड़ा पढ़ना है। आर्म टाइप फिक्स सिग्नल्स फिटेड ऑन वर्टिकल पोस्ट फिक्स एट अ साइड ऑफ अ ट्रैक आर कॉल्ड सीमाफोर सिग्नल्स। तो आर्म टाइप देखो कुछ इस तरह दिखते हैं हमारे सीमाफोर टाइप सिग्नल्स। नेक्स्ट आता है देखो सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में देखो पता क्या होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, मैनुअल भी होता है तो ऑटोमेटिक भी होता है। तो आप देख सकते हैं देखो ऑटोमेटिक तो है ही, ये जो लग रहा है यहाँ पे रेड लाइट है, ग्रीन लाइट, और ये देखो ये मैकेनिज्म जो है हमारा मैनुअल का है, तो उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल्स। नेक्स्ट आता है देखो शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग ऑपरेशन क्या होता है, देखो द मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन एंड लोकोमोटिव इन द स्टेशन यार्ड फॉर द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग रिसीविंग अटैचिंग और डिटैचिंग टू मेक न्यू ट्रेन्स रेडी फॉर डिस्पैच आर कॉल्ड शंटिंग ऑपरेशन। तो शंटिंग एक अलग चीज होती है, शंटिंग ऑपरेशन अलग होता है। तो जो शंटिंग ऑपरेशन जो हमारा होता है, वो होता है हमारे मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड लोकोमोटिव होते हैं स्टेशन यार्ड वगैरह में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है देखो शटलिंग मोशन ऑफ लोकोमोटिव। तो अब ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर विच हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन देयर मूवमेंट। तो पिस्टन्स के बारे आ जाता है, थोड़ा सा एडवांस डीप में चला जाता है, फिर भी हम ऊपर से पढ़ेंगे। शटलिंग मोशन में क्या होता है कि एक जो हमारे पिस्टन रेसिप्रोकेट करते हैं, वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री में करते हैं, ठीक है ना। उस मोशन को हम कहते हैं शटलिंग मोशन ऑफ लोकोमोटिव। नेक्स्ट आता है हमारा साइडिंग। अब साइडिंग क्या होता है, देखो व्हेन अ ब्रांच, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था सैंड हम्प में, है ना, सैंड हम्प में मैंने बोला था ना साइडिंग, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो व्हेन अ ब्रांच स्टार्टिंग फ्रॉम मेन लाइन टर्मिनेट्स एट अ डेड एंड विद अ बफर स्टॉप और सैंड हम्प, आ गया ना वर्ड, इट इज नोन एज साइडिंग। तो वो ये देखो ये मेन लाइन आ रही है, तो मेन लाइन तो ये सीधा निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बफर स्टॉप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है, देखो या फिर बफर स्टॉप हो सकता है या फिर सैंड हम्प, तो यहाँ पे बफर स्टॉप लगा हुआ, तो ये हमारी साइडिंग है, तो इसे हम बोलते हैं साइडिंग। नेक्स्ट आता है देखो सिग्नलिंग। ये तो आपको पता ही है, सिग्नलिंग ऑफर्स अ टेक्निक बाय मींस ऑफ विच द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल एफिशिएंटली टू मेंटेन सेफ्टी ऑन शेड्यूल ऑफ सर्विस। देखो बाकी सिग्नल्स के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, उस पर पूरी वीडियो बनी हुई है, 4 पार्ट्स है हमारे, चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्लैक पीकिंग। स्लैक पीकिंग देखो क्या होता है, व्हेन सरफेस डिप्रेशन इज फॉर्म लोकली इन स्मॉल पैचेस सच एज नियर और अंडर रेल जॉइंट्स द वर्क ऑफ करेक्टिंग इट इज कॉल्ड स्पॉट सर्फेसिंग और स्लैक पीकिंग। तो स्लैक पीकिंग क्या होता है, जो जॉइंट्स की जैसे जॉइंट्स है ना, तो जॉइंट्स के नीचे जब हमारे ना थोड़ा सा ना वो हो जाती है ना, मतलब लोड लग लग के थोड़ा सा पैचेस वगैरह बन जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा स्लैक जो भी हमारा मेथड होता है उसे हम बोलते हैं स्लैक पीकिंग या फिर स्पॉट सर्फेसिंग। नेक्स्ट आते हैं देखो स्लीपर। स्लीपर्स आपको पता है क्या होता है, देखो स्लीपर्स आर द मेंबर्स लेड ट्रांसवर्सली अंडर द रेल्स विच आर मेंट टू सपोर्ट द रेल्स ओवर देम एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द रेल्स टू ब्लास्ट। ये आपको पता है, हमने पहले भी बहुत कहीं डिस्कस करा हुआ स्लीपर्स बारे। तो नेक्स्ट आता है देखो स्लीपर क्रिप।
ये थोड़ी सी नई टर्म्स है देखो, अ ट्रैक इज टेम्पररीली सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड ऑल्टरेशन वर्क बाय गर्डर्स पायर्स एक्सेट्रा ओवर अ स्टैक ऑफ टिम्बर स्लीपर्स कॉल्ड स्लीपर क्रिप। तो स्लीपर क्रिप क्या होता है, टेम्पररी ट्रैक होता है, ठीक है ना, टेम्पररी ट्रैक होता है जो कि हमारे गर्डर्स और पायर्स से बना होता है, तो उससे हम कहते हैं स्लीपर क्रिप, ताकि हम कोई रिपेयर वर्क कर पाए जो हमारा मेन ट्रैक है। नेक्स्ट आता है देखो स्लीपर डेंसिटी। अब स्लीपर डेंसिटी होता है, स्लीपर डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इन मीटर्स। तो एक मीटर पर कितने स्लीपर्स आते हैं उसे हम कहते हैं स्लीपर डेंसिटी। तो स्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच दो द लीवर ऑपरेटिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड इन वन कैबिन बट द एक्चुअल टेकिंग ऑफ ऑफ द सिग्नल इज अचीव बाय रिलीजिंग ऑफ अ कंट्रोल फ्रॉम अनदर कैबिन। अ सिग्नल इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल फ्रॉम टू डिफरेंट कैबिन। तो देखो स्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, देखो कहीं कहीं अरेंजमेंट पे ना जो हमारे सिग्नल वगैरह देने होते हैं या फिर शंटिंग वगैरह देनी होती है ना, वो ना दोनों से दो कैबिन पे यूज होती है। तो दोनों कैबिन से जब तक आता नहीं आपको कंट्रोल करना, मतलब कि जो आपको कमांड नहीं आती तब तक वो डाउन नहीं हो सकता, तो उसे हम कहते हैं स्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स। नेक्स्ट आता है देखो स्पाइक्स। अब स्पाइक्स क्या होता है, स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स। तो देखो वुडन स्लीपर्स पे ये चीज जो हमारे होती है ना, इसे हम स्पाइक्स कहते हैं, ये फिक्स करने में काम आती है वुडन स्लीपर्स के साथ। नेक्स्ट है देखो स्पाइक किल्ड स्लीपर्स। देखो अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ा समझ नहीं आएगा। देखो ड्यू टू वाइब्रेशन इन रेल स्पाइक्स गेट लूज एंड कम आउट। When spike becomes too loose, it is taken out and another hole is bored by the side of old hole and spike is redriven. When this process repeats and no space is left out in sleeper for redriving or spikes, the sleeper is said to be spike killed sleeper. तो मतलब पता क्या होता है, देखो ये जैसे स्पाइक है ना, तो यहाँ पे लूज हो गया, तो हम साइड पे एक जैसे एक और छेद करा हुआ है, तो जैसे एक और छेद कर देंगे, ठीक है, तो वहां से भी लूज हो गया तो एक और छेद, लेकिन कहीं जाकर स्पेस तो नहीं रहेगी ना, तो वो चीज होती है स्पाइक किल्ड स्लीपर। देखो हिंदी में अच्छे से समझा दिया मैंने। नेक्स्ट आता है देखो स्टार्टर सिग्नल्स। These are semaphore type signals located in such position from where train make a start for the next destination. तो ये बताते हैं कि ट्रेन शुरू हो जाए, मतलब एक स्टेशन वगैरह से अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट आता है देखो स्टेशन यार्ड। ये तो भी आपको पता है, क्या मैंने पहले भी डिस्कस करवाया है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स लेड विद इन प्रिसाइज लिमिट फॉर वेरियस पर्पस सच एज सॉर्टिंग स्टोरिंग डिस्पैचिंग ऑफ व्हीकल्स एंड मेकिंग ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन बनाने के जहाँ बनती है उसके हम स्टेशन यार्ड बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोकोमोटिव अकेला पड़ा है, कोई वेगन अकेले पड़े हैं, ठीक है, ट्रेन पूरी बनी हुई है, तो वो सारी जगह स्टेशन यार्ड होती है। नेक्स्ट आता है देखो हमारा स्टॉक रेल। स्टॉक रेल क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट अगेंस्ट विद द टंग रेल फिक्स इज नोन एज द स्टॉक रेल। तो आप एक इमेज देख सकते हो, तो जहाँ पे टंग रेल ये फिक्स होती है ना, वो वाली रेल को हम स्टॉक रेल कहते हैं। तो स्टॉक रेल होते हैं जो कि हमारा मेन, जो हमारा मेन ट्रैक होता है उसके साथ ही लगी आती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेचर बार। अब स्ट्रेचर बार क्या होता है, द टोज ऑफ द टू टंग रेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ बार नोन एज स्ट्रेचर बार सो दैट ईच टंग रेल मूव्स द सेम डिस्टेंस ऑन द गैप व्हाइल चेंजिंग द पॉइंट। तो स्ट्रेचर बार ना ये होता है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना एक बीच में से, तो ये दूसरी वाली साइड भी लग जाएगा। हमने पहले भी इमेजेस में देखा है, तो ऐसे लगता है, ठीक है, ये एक ही पूरे बंदे होते हैं। जब भी कोई भी सिग्नल दिया जाता है शंटिंग के लिए, तो दोनों सेम डिस्टेंस से मूव करे हमारी टंग रेल, तो उसके लिए स्ट्रेचर बार दिया जाता है। नेक्स्ट आता है देखो स्टड्स। स्टड्स क्या होता है, दीज आर बेंड प्लेट फिक्सेस बिटवीन द स्टॉक रेल एंड टंग रेल टू प्रिवेंट द लेटर बेंडिंग ऑफ द टंग रेल। तो देखो ये यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है, देखो ये है ना, तो ये इसलिए होता है कि हमारी जो टंग रेल होती है वो बेंड ना हो। नेक्स्ट आता है देखो स्पर या फिर समिट कर्व्स। दोज वर्टिकल कर्व्स इन विद द ग्रेडियंट्स ऑफ टेंजेंट मीट अबव एंड फॉर्म अ समिट आर कॉल्ड स्पर ऑफ समिट कर्व्स। तो यही होता है, जो हमारे वर्टिकल कर्व्स होते हैं वहां पे जब ग्रेडियंट्स मीट होते हैं ना टेंजेंट पे, जैसे देखो कर्व्स आया तो ये ऐसे टेंजेंट पे मीट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, ये जब उसे कहते हैं हम समिट ऑफ कर्व्स या फिर स्पर। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। स्विच क्या है, देखो अ स्विच कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक रेल एंड अ टंग रेल। स्विच इज अ टेपर्ड रेल विद द थिकर एंड एंड नो एज द हील्स फिक्स्ड टू द मेन ट्रैक व्हाइल थिनर एंड नो एज द टो इज केप्ट मूवेबल। तो स्विच क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक रेल। तो ये पूरा प्रोसेस, ये जो पूरी चीज है ना, यही स्विच है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं। देखो स्विच पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है, तो ये सारे फिक्स अच्छे से हो जाते हैं, ताकि हमारा रूट चेंज हो पाए या ना हो पाए उसके लिए होता है। तो वो हमारा ये पूरा प्रोसेस को हम स्विच कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं देखो लास्ट दो रह गए हमारे, देखो स्विच एंगल। अब स्विच एंगल क्या होता है, दिस इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल। तो देखो ये जो हमारा एंगल होता है ना, ये जो हमारा एंगल बनता है इसके इस इमेज में देखो, तो ये जो हमारा एंगल है थीटा, अगर हम इसको बोले तो इसे हम बोलते हैं स्विच एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता हमारा देखो स्विच बैक। अब देखो ये थोड़ी सी नई टर्म है,
आपने कहीं देखी नहीं होगी ये चीज प्रोसेस इन माउंटेन रीजन समटाइम्स ग्रेटर हाइट आर विद इन अ शॉर्ट रेंज बाय टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द ट्रेन दिस इज कॉल्ड स्विच बैक। देखो जब हमारे कोई माउंटेन्स होते हैं ना तो एकदम ऐसे स्टीप ग्रेडियंट तो हम दे नहीं सकते, तो वो कैसे देते हैं इस तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट में देते हैं। लेकिन जैसे ट्रेन यहाँ से जैसे गई तो यहाँ पे बफर स्टॉप लग जाएगी, मतलब ट्रेन बाहर ना चली जाए कहीं पहाड़ियों में खाई वगैरह पे ना गिर जाए, तो उसके लिए यहाँ पे बफर स्टॉप, फिर ऐसे जाते हैं फिर ऐसे आते हैं, मतलब एक बार सीधा जाने की जगह टू एंड फ्रो मूवमेंट में ऐसे जिगजैग की शेप में ऊपर चली जाती है। तो ये था आज का हमारा पूरा पार्ट 8, ठीक है ना। तो पार्ट 9 पर भी आप बनी हुई ये वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो टी से हम पूरा रेलवे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट पूरा 8S का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल इनसाइट को ऐसे सब्सक्राइब करते रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।